नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अढ़ाई का अड्डा, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज बात करेंगे पहाड़ पर एक बड़े आफत की, जिसका संकेत वैज्ञानिकों को रिसर्च में मिला है। स्टडी के मुताबिक उत्तराखंड के 13 ग्लेशियर ऐसे हैं जो खतरे की जद में हैं। स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है कि हिमालय पर झीलों का आकार बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग और बर्फबारी की कमी से इस बार ग्लेशियर पिघलने की संभावनाएं बढ़ गई हैं, और यही वजह है कि इस 13 ग्लेशियर झीलों पर खतरा बढ़ गया है। रिपोर्ट देखिए। क्या उत्तराखंड में फिर आफत आने वाली है? क्या पहाड़ पर फिर विनाश होने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि उत्तराखंड के 13 ग्लेशियर झीलें खतरे की जद में हैं। उत्तराखंड में 13 झीलें खतरे की जद में आने की बात जैसे ही सामने आई, सरकार ने इनकी मॉनिटरिंग भी तेज कर दी है। 2 झीले वसुंधरा ताल और भलंगना में ज्यादा खतरा है। हालांकि वैज्ञानिक मानते हैं कि इसको लेकर और ज्यादा रिसर्च की जरूरत है। फिजिकली यहां आकर रिसर्च करना आसान नहीं है, इसलिए पीछे हुई आपदाओं को देखते हुए अलर्ट और इंतजाम दोनों जरूरी है। हालांकि वैज्ञानिकों का दावा है कि अभी इससे खतरा दिख नहीं रहा, लेकिन भविष्य में खतरे से इनकार भी नहीं किया जा सकता। ऐसे नहीं है कि जो हमारा रीजन में जो ग्लेशियर का इम्पैक्ट हो रहा है, सारी हिमालय में कुछ ना कुछ उसका इम्पैक्ट हो रहा है, बट उसका वजह अलग अलग होता है। कभी वो ग्लेशियर का वजह से जो इम्पैक्ट होता है वो उसके नीचे डाउनस्ट्रीम में कुछ हैबिटेशन नहीं है, डाउनस्ट्रीम में कुछ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो उसका वजह से हम लोग को नुकसान नहीं दिखाई देता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि तबाही के संकेत उत्तराखंड में दिखने लगे हैं। कम तीव्रता वाले भूकंप, लैंडस्लाइड और एवलांच, ये सब आपदा के संकेत हैं, जो बहुत बड़ा चैलेंज है। वो तो रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमारा उत्तराखंड स्टेट में बहुत सारी आपदा, प्रेजेंट क्लाइमेट चेंज सिनेरियो में लैंडस्लाइड्स भी हो रहा है, आपका इस तरह से एवलांच भी हो रहा है, फ्लैश फ्लड्स भी हो रहा है, अर्थक्वेक भी छोटे मोटे आ रहे हैं। तो ये जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को इतना सारी आपदा ये पूरा ड्रैग डाउन कर रहा है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये चैलेंज के लिए हम लोगों का जियोलॉजिकल, जियोफिजिकल, जियोमॉर्फोलॉजिकल स्टडी का बहुत बहुत रोल है। वैज्ञानिकों के स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है कि हिमालय पर झीलों का आकार बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग और बर्फबारी की कमी से इस बार ग्लेशियर पिघलने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। उत्तराखंड में जितना सारी झीलें हैं उसमें से हम लोग 2-3 झीलें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर पूरा उत्तराखंड का ग्लेशियर देखा जाए तो 978 ग्लेशियर्स है, 1268 ग्लेशियर लेक्स है, एंड हर ग्लेशियर लेक भी इतना खतरा नहीं है। कुछ कुछ ग्लेशियर लेक है, जो मोरेन डैम है, मोरेन डैम लेक वो भी थोड़ा बड़ा जो लेक है वो लेक ही थोड़ा डाउनस्ट्रीम में अगर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लैट कभी आए तो। अभी हम लोग का स्टडी से हम लोग मॉनिटर कर से पता लगाना कोशिश कर रहे हैं उस ग्लेशियर का हेल्थ कैसा है, उस ग्लेशियर का स्टेबिलिटी कहाँ तक, जिस तरह से ग्लेशियर रिसेशन हो रहा है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, मेल्ट वाटर वहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहा है, रेन भी हो रहा है, रेन वाटर एक्यूमुलेट हो रहा है, स्नोफॉल भी हो रहा है, स्नो एक्यूमुलेशन मेल्ट वाटर एक्यूमुलेट हो रहा है। भागीरथी कैचमेंट, अलकनंदा बेसिन और धौलीगंगा बेसिन की 13 झीलें खतरे की जद में हैं, जिसका आकार भी बढ़ रहा है, जो छोटे छोटे झीलों को अपने साथ मिला रही है। खासकर 2 झीलें वसुंधरा ताल और भिलंगाना ज्यादा संवेदनशील हैं। वन ऑफ द लेक इज दी वसुधरा ताल। जो वसुधरा ताल लेक है वो आपके एक हमारा इस रीजन में जो भागीरथी कैचमेंट है उसी के ऊपर है, और हम लोग देख रहे हैं अभी उसका जो एरिया है वो 1.5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया हुआ है। अभी हम लोग और भी डेटा एक्वायर कर रहे हैं जिसमें से पता चले किस रेट से इस लेक का एक्सपेंशन हुआ है। अभी जो हम लोगों का स्टडी है उसमें उस लेक का जिस जगह में पैदा हुआ है डाउनस्ट्रीम देख रहे हैं, उसमें जो एक स्लोप होता है
वो 2 डिग्री के आसपास और 3-4 डिग्री के आसपास, उससे ज़्यादा नहीं है। अगर वो लेक ब्रीच भी कभी करे और तो उतना पानी एक साथ में नीचे आने का संभावना कम रहता है। बिलंगना लेक को लेकर चिंता ज्यादा है, क्योंकि इस लेक का करीब 46 यार्ड स्क्वायर यानी 0.3 किलोमीटर एरिया में फैलाव हुआ है और उसका स्लोप भी खतरे की आहट है। इस लेक को हम लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि इस जो विलंगना लेक पिछले 46 इयर्स में हम लोग देखे 0.38 स्क्वायर किलोमीटर एरिया एक्सपैंड हुआ है, और हम लोग उसको अगर डाउन स्ट्रीम में स्लोप भी देखेंगे, वो स्लोप भी अराउंड 20-25 तो 30 डिग्री स्लोप तक तो है। तो वहाँ पर अगर एंड मोरेन डैम लेक है, तो मोरेन हैज लूज डेब्री मटेरियल उसका वॉल में है। अगर उसमें पानी ए जो जो वहाँ पर बारिश का पानी भी, आजकल बारिश भी अपवर्ड शिफ्ट हो रहा, मेल्ट वाटर ये सब वो करके, अगर उसका स्ट्रेंथ जितने वाटर वॉल जो है मोरेन डैम वॉल जो है डैम के लिए, उसका स्ट्रेंथ अगर सस्टेन नहीं कर पाए, तो वहां से वाटर ब्रीच होकर के नीचे आने का संभावना है। वैज्ञानिकों का दावा है कि भिलंगना लेक ज्यादा तेजी से पिघल रहा है, उसका आकार भी बड़ा हो गया है और बर्फ की परत पतली होने के कारण ये ज्यादा खतरनाक हो सकता है। हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है, हम लोग जैसे देख रहे हैं जो 0.38 स्क्वायर किलोमीटर एरिया 46 इयर्स में इंक्रीज हुआ है, इसके साथ जो अटैच्ड ग्लेशियर्स है, खैथलिंग ग्लेशियर्स, वो खैथलिंग ग्लेशियर्स भी हम लोग देख रहे हैं थिनिंग हो रहा है। तो मतलब ग्लेशियर मेल्ट, अभी पिछले वन डिकेड में, 5 साल में काफ़ी ज़्यादा मेल्टिंग इस रीजन में हो रहा है। वो मेल्ट वाटर कंटिन्यूअसली हो रहा है, थिनिंग से पता चल रहा है, लेक एक्सपेंशन हो रहा है। तो अभी हम लोगों को कौशन यही है, एक प्रोजेक्ट हम लोग उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ कर रहे हूँ, ये लेक को हम लोग उसको मॉनिटर कर रहा हूँ। वसुधरा ताल और भिलंगना, ये ऐसी झीलें हैं जो अपने आकार में बड़ी हो रही हैं। इस बार ये कहा जा रहा है कि बर्फ ज्यादा नहीं पड़ी और बर्फबारी अच्छी ना होने की वजह से बर्फ की परत पतली हो गई है और ये तेजी से पिघल भी रही है। ऐसे में ग्लेशियरों की झील बड़ी होती जा रही है आकार में, और ये इससे कोई गुरेज नहीं कर सकता कि केदारनाथ जैसी आपदा भी आ सकती है अगर अभी से निगरानी शुरू नहीं की गई। हालांकि उत्तराखंड सरकार अपने विभागों के साथ स्थिति से निपटने की तैयारी कर रही है, लेकिन वैज्ञानिकों को 2013 में आए केदारनाथ आपदा जैसी घटना की चिंता भी है। हालांकि अभी ऐसा कोई अलर्ट नहीं है, लेकिन इससे निपटने की रणनीति बनानी बेहद जरूरी है। हम लोग 2013 में केदारनाथ में एक्सपीरियंस किए थे, जहां पर 5,500 विलेज थोड़ा सा नुकसान हुआ था, 6,000 पीपल डेड हुआ था, मोर देन 1 लाख पिलग्रिमेज ट्रैप हुआ था पीक समर में। ऐसे चीज़ पैदा हुए तो फिर हम लोगों का एक डिजास्टर बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा। तो हम लोग इसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रहे हैं भिलंगना लेक को। चलो 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 चलो। जियोलॉजी विभाग और अध्ययन कर रही है, साथ ही निगरानी के लिए सरकार ने एक विशेषज्ञ टीम का गठन भी किया है, जिसकी रिपोर्ट केंद्र को भेजी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। ग्लेशियर झीलों के खतरे की जद में होने की वजह से आफत की आशंका वैज्ञानिक जता रहे हैं। पिछले साल सिक्किम में ग्लेशियर झीलों की वजह से तबाही हुई थी, उत्तराखंड में 2013 में केदारनाथ आपदा का दंश आज भी लोग झेल रहे हैं। ऐसे में 13 झीलों पर आई इस रिपोर्ट से लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि अभी से इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग बेहद जरूरी है। रिपोर्ट देखिए।
जलवायु परिवर्तन के कारण जहां एक ओर हिमालय की चोटियों पर बर्फबारी की जगह वर्षा होने लगी है, वहीं बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियर्स के पिघलने की दर में बढ़ोतरी हुई है। इससे हिमनद पीछे होते जा रहे हैं। यही नहीं, ग्लेशियर द्वारा खाली किए गए स्थानों पर हिमनदियों द्वारा लाए गए मलबे के बांध यानी मोरेन के कारण बनी कुछ झीलों का आकार वर्षा और हिमनदों के गलने से तेजी से बढ़ रहा है। एक सीमा के बाद पानी का दबाव मलबे के बांध को तोड़कर निचले क्षेत्रों में तबाही का कारण बन सकता है और यही वजह है कि उत्तराखंड के 13 जिलों से खतरे का संकट मंडरा रहा है। ग्लेशियर पिघलने की बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज माना जा रहा है। बर्फबारी से लेकर मानसून में पिछले कुछ सालों में बदलाव भी ग्लेशियर में आए चेंज की बड़ी वजह के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल टीमें रिसर्च कर रही हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट पूरी घटना पर नजर बनाए हुए है। ग्लेशियर पर खतरे का सबसे बड़ा कारण क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को बताया जा रहा है। स्नोफॉल के पैटर्न में बदलाव भी इसका एक प्रमुख कारण है। बर्फबारी का कम होना, पतली हो रही बर्फ की परत, झीलों का आकार बढ़ रहा, बड़े झील छोटे झीलों को मिला रहे। क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है और जो टेम्परेचर जो बढ़ रहा है वो विंटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है ज़्यादा, और दूसरे जो जो सरफेस टेम्परेचर होता है सोयल टेम्परेचर होता है वो बढ़ता है। उससे क्या हो गया कि जो एटमोस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो गया है कि जो आपका जो वेस्टर्लीज हमारे पास आते हैं उसमें लेट हो रहे हैं या वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। स्नोफॉल का पैटर्न पूरा चेंज हो चुका है, इसमें लगभग जो है 15 से 20 दिन का डिफरेंस आ गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक गंगोत्री ग्लेशियर की निगरानी की जा रही है। गंगोत्री ग्लेशियर के साथ बहुत सी झीलें हैं जो अत्यधिक जोखिम में आ रही हैं। वसुधारा ताल में भी जोखिम लगातार बढ़ रहा है जिसकी निगरानी वाडिया कर रहा है। ग्लेशियर जो है रिट्रीट नहीं कर रहा है, स्नो रिट्रीट जो है, जैसे गंगोत्री की बात करते हैं कि पहले बोलते थे 20 मीटर पर ईयर पीछे जा रहा है, आज जो है 8-9 मीटर पर आ गया। पर इसका मतलब ये नहीं कि ग्लेशियर रिट्रीट नहीं कर रहे, थिनिंग कर रहे हैं, जो उसका वॉल्यूम जो है, जो ग्लेशियर की मोटाई है, वो मोटाई जो है सरफेस मेल्ट से कम होते जा रहे हैं। ग्लेशियर के ज़्यादा मेल्ट होने से क्या हो रहा है कि बहुत सारी लेक्स बन रही है। ग्लेशियर झीलों के अध्ययन में जुटी संस्था के मुताबिक सिक्किम के 3 प्रभावित ग्लेशियर झीलों का अध्ययन करने के लिए खुद का अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया है। झीलों की गहराई नापने के लिए बेथीमेट्री सर्वे किया गया, जिससे मिले आंकड़ों से झीलों में हो रहे परिवर्तन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। पहले मैं एडमिट कर लूँगा कि ये इसका ग्लोब का क्लस्टरिंग है कि नहीं है, लेक तो बहुत सारी बन रही है, तो इसका यह है कि आपको उनको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, उनको क्लासिफाइड करना बहुत ज़रूरी है कि ग्लेशियर का कितना। हाँ, अगर कोई लेक बन रही है तो उसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, उसका पानी बढ़ रहा है, उसमें क्या एक्सपेंड कर रहा है या श्रिंक कर रहा है, क्या क्या है क्या करके, पानी का सोर्स उसमें क्या है क्या करके, आने वाले समय में ये कितना खतरनाक हो सकता है, तभी आप उसको बोल सकते हैं। केवल पिन पॉइंट करके और देख करके लेक क्या करके इससे आप नहीं कर पाओगे। उत्तराखंड में अगर झीलों और ग्लेशियर की बात करें तो चमोली में 192, उत्तरकाशी में 83, पिथौरागढ़ में 43, रुद्रप्रयाग में 11, टिहरी में 10, बागेश्वर में 8 झीलें हैं, जिसमें भागीरथी, अलकनंदा और धौली गंगा बेसिन के 13 ग्लेशियर को खतरे की जद में बताया जा रहा है, जिसमें साउथ ऑफ ग्रुप ऑफ 3, ईस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ 3, गेलधांग ताल, ऋषिकुंड, नॉर्थ ऑफ ऋषिकुंड, वेस्ट ऑफ बद्रीनाथ, इन फ्रंट ऑफ भागीरथी सिस्टर, केदार ताल, वसुधारा, भिलंगना, गौरी गंगा, सफेद ताल, चोराबारी ताल, पार्वती ताल और मसार ताल शामिल है। वसुधरा ताल और भिलंगना के साथ ही गंगोत्री ग्लेशियर की निगरानी भी जरूरी है, साथ ही ऐसे झीलों की पहचान भी जरूरी है जो जोखिम ला सकती है, इसलिए ऐसे ग्लेशियरों की पहचान जरूरी है ताकि भविष्य के बड़े खतरे को टाला जा सके।
चलिए आगे बढ़े और खबरों का जिक्र करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 फरवरी को छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। बता दें प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भी जल्द दौरा कर सकते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के बड़े दौरे होने जा रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी के महाधिवेशन के दौरान सीएम साय पीएम और गृह मंत्री से चर्चा भी करेंगे। अमित शाह छत्तीसगढ़ का दौरा कर सकते हैं। आने वाले हैं चुनाव और चुनावों के मद्देनजर लगातार अब हम देखेंगे अलग अलग प्रदेश में इसी तरह दिग्गजों का जमावड़ा रहेगा और ये दौरे रहेंगे जो बेहद खास रहेंगे। इसी बीच महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं कि बहुत जल्द अमित शाह छत्तीसगढ़ का दौरा कर सकते हैं क्योंकि चुनाव नजदीक हैं और खास मुलाकात वहां पर, खास बैठकें, खास चर्चाएं, खास मंथन वहां पर हो सकता है 11 की 11 सीटें जीतने पर। फोकस बीजेपी का 11 सीटों पर है कि 11 की 11 सीटें छत्तीसगढ़ की जीतने हैं लोकसभा की और यही जानकारी आपको दे रहे हैं। बहुत जल्द दौरा अमित शाह का हो सकता है, उसके बाद पीएम का, रक्षा मंत्री का भी दौरा हो सकता है, संभव है। तो कयास यही लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा छत्तीसगढ़ का हो सकता है। आगामी चुनाव है, चुनावों के मद्देनजर इस तरह के दौरों का अब सिलसिला जो है शुरू होने वाला है और ये निरंतर चलता ही रहेगा जब तक चुनाव हो नहीं जाते। ये तस्वीरें हम अब लगातार देखेंगे और हालांकि अभी तय तारीख नहीं आई है सामने कि आखिर कौन सी वो तारीख होगी जब आ सकते हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि 22 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री आ सकते हैं और चुनावों के मद्देनजर ये बेहद खास उनका ये दौरा होगा। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी एक बार फिर से कांग्रेस पर बरसे हैं। राजस्थान में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने कई परियोजनाओं की सौगात दी और इस दौरान पीएम ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले पूरे देश में होने वाले बड़े बड़े घोटाले आए दिन होने वाले बम धमाकों की चर्चा रहती थी। लोग सोचते थे कि उनका और देश का क्या होगा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के साथ एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि वो दुर्गामी सोच के साथ सकारात्मक नीतियां नहीं बना सकते। कांग्रेस ना भविष्य को भांप सकती है और ना ही भविष्य के लिए उसके पास कोई रोडमैप है। पीएम ने कहा मोदी को गाली देना ही कांग्रेस का एजेंडा है। जो मोदी को जितनी ज्यादा गाली दे सकता है उसे ये उतने जोर से गले लगाते हैं। मोदी कुछ भी करे, कुछ भी कहे, ये उसका विरोध ही करेंगे। 2014 से पहले देश में क्या बातें चल रही थी, क्या सुनाई दे रहा था, अखबारों में क्या पढ़ने को मिलता था, तब पूरे देश में होने वाले बड़े बड़े घोटालों की चर्चा ही रहती थी। तब आए दिन होने वाले बम धमाकों की चर्चा होती थी। देश के लोग सोचते थे कि हमारा क्या होगा, देश का क्या होगा, जैसे तैसे जीवन निकल जाए, जैसे तैसे नौकरी बच जाए। कांग्रेस के राज में चारों तरफ तब यही माहौल था। देश का फर्स्ट टाइम वोटर जिसके सपने बड़े हैं, जिसकी आकांक्षाएं बड़ी हैं, जो विकसित भारत के विजन के साथ खड़ा है, विकसित राजस्थान, विकसित भारत का रोडमैप ऐसे हर फर्स्ट टाइम वोटर के लिए है। इसलिए आजकल पूरे देश में एक चर्चा बहुत जोर से हो रही है। लोग कह रहे हैं अब की बार एनडीए 400 पार। और इसी के साथ ही अढ़ाई का अड्डा में इतना ही। नमस्कार।